अखिल भारतीय संस्कार भारती के तत्वावधान में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को राप्ती नदी के तट पर रेत से शिल्प कलाकारों ने भारत माता चंद्रशेखर आजाद व अमर सपूतों की प्रतिमाओं को उकेरा। इस दौरान प्रतिमाओं पर संस्था के सदस्यों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया, जिसके संबंध में गोरक्ष प्रांत के प्रांत महामंत्री डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि देश प्रेम की भावना जगाने के लिए यह आयोजन राप्ती नदी के तट पर किया गया है। कलाकारों ने अथक प्रयास से इन जीवंत प्रतिमाओं को उकेरा है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम सभी नगरवासियों को यह संकल्प लेना होगा कि आने वाले समय में वह देश के बहुमुखी विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए, जब तक राष्ट्र प्रथम नहीं होगा तब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इस अवसर पर अखिल भारतीय संस्कार भारती के प्रांत के सह महामंत्री प्रेमनाथ, अनुप अग्रवाल, सुनील श्रीवास्तव, नितिन जायसवाल, रमेश चंद्र भास्कर, विश्वकर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय संस्कार भारती के गोरक्ष प्रांत के प्रांत महामंत्री मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, ये तो भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, अमर शहीदों की जय, भगत सिंह आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव, मैं संस्कार भारती का गोरक्ष प्रांत का मंत्री, सभी भारतवासियों को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 75वें वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं गणतंत्र के, हमारा संविधान बने हुए 74 साल पूरे हो चुके हैं, अब हम 75वें में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में देश प्रेम की भावना जगाने के लिए बच्चों में, खास तौर से हमारे पीढ़ियां जो हैं आने वाली, वो ये जाने कि हमारा गणतंत्र कितना मजबूत है। इसी में राष्ट्रप्रेम की भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम ये है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पर रेत शिल्प से पूरी भारत माता का चित्र उकेरा गया है। संदेश यही है कि जो है भाई, सभी को अपने राष्ट्र से प्रेम कितना करना चाहिए ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने राष्ट्र से, जब तक राष्ट्र प्रथम नहीं होगा तब तक हम शायद जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इस कार्यक्रम की उपाध्येयता यही है। धन्यवाद।